आज की हमारी क्लास में हम पिवट टेबल के बाद पढ़ने वाले हैं। कल हमने अब आपको पिवट टेबल इंट्रोड्यूस किया था कि पिवट टेबल हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स वगैरह। चलिए आज हम बात करते हैं। तो देखिए, पिवट टेबल जब भी आप बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप एक न्यू वर्कशीट पर तो ले ही सकते हैं, लेकिन सही रहेगा कि अगर पिवट टेबल रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप खुद की एक सीट बना लें, ओके, ताकि हम पिवट टेबल आप अपने हिसाब से अपने जगह पे प्लेस कर सकें। ठीक है सर? ठीक है। तो पिवट टेबल पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट किया और शीट टू पे जाके एक जो पिवट टेबल जहाँ बनाना है उस लोकेशन को सेलेक्ट करके यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। A4 नहीं, क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर? एंड ओके, क्योंकि लिखेंगे तो पूरा सीट नेम देना पड़ेगा ना। डन, हाँ हाँ ओके करते हैं। यहाँ पिवट टेबल का व्यू आ गया, ये आपका पिवट टेबल एडिटर आ गया। कभी मान लीजिए पिवट टेबल एडिटर ना दिखे तो आप पिवट टेबल पे जब कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट का ऑप्शन करते हैं आपका पिवट टेबल एडिटर आ जाएगा। जैसे कि मैंने ठीक आपको बताया था कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको रिपोर्ट चाहिए तो क्या चाहिए। तो मुझे सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इसका क्वांटिटी का टोटल चाहिए, मान लीजिए। तो ये हमारे पास रोज होते हैं, ये हमारे फील्ड्स होती है। हम फील्ड्स को उठा के भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिटी को उठाया और हमने रो के अंदर ड्रॉप कर दिया, इस तरह से भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ऐड पे क्लिक करके हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ठीक यहाँ पे है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ वैल्यूज में हमने ले लिया क्वांटिटी। अब इसमें ठीक फिल्टर में मान लीजिए मैंने फिल्टर में नेम को ले लिया, एक से ज़्यादा चीज़ ऐड करना है तो उतना बार क्लिक कीजिएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। स्टेटस को, मोड को इस तरह से ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरा फिल्टर नहीं दिख रहा है, फिल्टर नहीं दिख रहा ना। नॉर्मल एक्सेल में नहीं पिवट टेबल फिल्टर दिखता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जाके अपनी फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी, क्या फिल्टर लगाना चाहते हो वो फिल्टर यहीं पे क्लिक करके आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर कर दीजिए। मैंने अमर को सेलेक्ट करके ओके किया, अब पूरा रिपोर्ट अमर के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए फिर आपने ठीक कोड का रीड कर दिया तो फिर फिल्टर नहीं आएगा, फिल्टर आने के लिए फिर वही एडिट का ऑप्शन करना। एक्सेल के ठीक है लिए ठीक एक्सेल है की तरह नहीं कि ऊपर फिल्ट्रेशन आपको ऊपर दिखता आ रहे, जाएगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर? ठीक यहाँ से मैं क्लियर करके एंड ओके करता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। रिपोर्ट आ गया। अब चलिए बात करते हैं कुछ और चीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने कल बताया कि एक से ज़्यादा फील्ड्स हम रो, कॉलम, वैल्यू सब में एक से ज़्यादा फील्ड रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अगर मोड को रोज में ड्रॉप कर दिया तो आप देखेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट मैट्रिक्स फॉर्मेट में बन के आता है। अब ठीक यहाँ टोटल दिख रहा है, दिल्ली टोटल, यहाँ पे जयपुर टोटल, इसको सब टोटल कहा जाता है। अब यहाँ पे दिख रहा है शो टोटल, अगर मैं इसको अनचेक कर दिया, सॉरी टोटल तो इसका दिख रहा है ना, जयपुर सिटी का दिख रहा, सिटी के दिख रहा है ना। ओके, यहाँ से टोटल हटा दिया, तो देखिए टोटल हट गया। एक टोटल आपको दोनों में हटाने पड़ेंगे, अगर किसी एक में लगा है तो टोटल दिख जाएगा। ठीक है, जितने रो डालेंगे उतने हट जाएंगे, तो नीचे देखिए टोटल हमारा हट ये गया। एक रो का सीटी तो समझ में आया, फिर रो में मोड आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का टोटल हटाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हो। जी हाँ, अगर मैंने शो टोटल क्लिक कर दिया तो ये पहला वाला नहीं, जो लास्ट वाला होता है ना उसी का होता है, अच्छा ठीक है, अभी लास्ट हटाइए। हट गया। हाँ एक है तो वो दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी होता है उसका होता है। फिर सर है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट जो है, आप यहाँ पे ऑर्डर का सेंडिंग रखना है, किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग का सिस्टम भी आप यहाँ पे यूज कर सकते ठीक हैं। है। उसके बाद अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू में आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने सम डिजायर है वगैरह को क्या करना है, क्वांटिटी। ये आपका समराइजेशन है, सम, काउट, एवरेज, और यहाँ पे आता है एज।
ऐसी क्या है, थोड़ी देर में हम इसके बारे में करेंगे। फिलहाल हमने आपके सामने पिवट टेबल बना दिया, राइट। ठीक अब बात आती है क्या इसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं? नहीं, जैसे कुछ में कुछ टाइप करना नहीं कर सकते। क्या दिल्ली में चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे दिल्ली को न्यू दिल्ली करना है यहाँ पे, तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे, देख रहे हैं ना सर? कोई चेंज नहीं कर हाँ सकते। सम ऑफ टोटल है क्या, इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, इसको चेंज वो कर हेडिंग सकते से, हैं, हाँ, टोटल सेल्स इसको चेंज कर सकते हैं, सिटी को चेंज सीसी कर चेंज सकते हो हैं, हाँ, जाएगा। हेडिंग कर सकते हैं क्या, बाकी जो डेटा है वो नहीं कर सकते, नहीं डेटा वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, बट डेटा वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, नहीं सर, ठीक समझ गए सर? जी, है। एक पिवट टेबल का स्ट्रक्चर। अब चलिए पिवट टेबल में और चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि पिवट टेबल एडिटर्स में आपने देखा है कि आपको यहां पर पुट करना है, पुट करते रिपोर्ट आपका बन जाता है। इसमें फिल्टर वगैरह यहाँ से यूज कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कितने तरह के हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पे को मान लीजिए कि मैंने रो में रख दिया, तो ये देखिए तीसरा पार्ट बन जाए। अब यहाँ देखिए दिल्ली का टोटल दिख गया, क्योंकि यहाँ पे 100 टोटल लगा हुआ है। इसको चेक कीजिए, अच्छा है। यहाँ पे रिपीट कीजिए, ये आपका रिपीट हो जाएगा। जिस पे रिपीट रिपीट जिस पे करेंगे वही रिपीट होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है सर? ठीक है। क्या हम कॉलन में भी रख सकते हैं? जैसे प्रोडक्ट हमारा कॉलन में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मोड को हम कॉलन में रख देते हैं। तो मोड को कॉलम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मोड के हिसाब से आपके सामने आ गया, और मोड का भी टोटल है, तो यहाँ पे आप टोटल्स को अनचेक कर देंगे तो आपका टोटल आज खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें रिपीटेशन का सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा, कॉलन में आप रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट जब भी होगा तो आपका रो होगा, कॉलम आपका रिपीट नहीं होगा। हाँ ठीक है, जी, ठीक है। ठीक है ना? तो यहाँ से रिप्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉलम रो दोनों को कर सकते हैं, लेकिन ये चीज करने के लिए देखूंगा कि आपको बहुत बड़ा रिपोर्ट ना बन जाए, क्योंकि फिर देखने में प्रॉब्लम होगी ना, देखने सबके लिए प्रॉब्लम हो रही है देखने। अब चलिए हम कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ। एक सिटी हमने रख दिया। अब मान लीजिए मुझे सिटी का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो क्या सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या हम क्वांटिटी को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं? जी हाँ, आप कॉस्ट रख सकते हैं। वैल्यू में कोई भी फील्ड को एक से ज्यादा रख सकते हैं, तो क्या हम हाँ इसमें में बाकियों में रख सकते हैं? जैसे मान लीजिए सिटी को वापस अगर मैं रो में रखूँ तो क्या रख सकता हूँ? रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है? इसमें इसमें सिटी को सिटी रो में को रखेंगे रखेंगे, तो जी हाँ, नहीं अच्छा, समझाइए, वो वो दो नहीं नहीं जाएगा, नहीं होगा, जाएगा, सेकेंड का ठीक है, ही बन समझ गया। जाएगा। उसके बाद बात आती है कैलकुलेशन। तो फिलहाल हमने सम कर रखा है, सम ऑफ द क्वांटिटी, काउंट, साथ इसकी कैलकुलेशन समझ लेते क्या होता है। काउंट ए करेंगे तो आपको काउंट कर देगा, लेकिन काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, लेकिन अगर मैं जस्ट काउंट करता हूँ इट मीन्स काउंट नंबर, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, ठीक है? काउंट यूनिक, यूनिक काउंट करेगा, दिल्ली है कितना बार, यूनिकली कितना बार, एक एवरेज सेकेंड, है। एक सेकेंड सर, ये काउंट ऑल का मतलब सारा काउंट कर लिया, काउंट का सिर्फ मतलब क्या था फिर? तो नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। अभी इसने काउंट ऑल में अगर कुछ और होगा अगर तो मान टेक्स्ट भी लीजिए काउंट अभी कर मेरा लेता। क्वांटिटी था ना, मान लीजिए क्वांटिटी के जगह पे अगर मैंने डाल दिया प्रोडक्ट डाल दिया, नेम ही डाल दिया, मान लीजिए वैल्यूज करता डाल दिया ना, तो मुझे पता करना है ठीक कितना है। इनवाइस है। मैंने दिल्ली में 1470 क्वांटिटी सेल हुई है, 29 इनवाइस में, 29 ऑर्डर्स थे, समझे? ठीक है, काउंट अगर मैं इसको ए से हाँ इसमें अगर मैं काउंट कर दूंगा तो 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि नेम इन, क्या है, टेक्स्ट है क्या हाँ सर, और टेक्स्ट को काउंट काउंट नहीं करता, काउंट ए करता है। अच्छा, गॉट इट। फिर आता है काउंट यूनिक, काउंट यूनिक में 6 आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना, कि दिल्ली को यूनिकली 6 बार आया गया है। उसके बाद यहाँ आप एवरेज, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं,
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि मैं एक काम का काउंट, मैंने यहाँ पे काउंट ए ले लिया, अब मुझे ये देखना है कि मेरा कितना परसेंट ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे सो एज में डिफॉल्ट आता है, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दिया। तो एक तब क्या करेगा कि ये जो नंबर पूरी दिख रही है, इसमें जो 287 है, 287 से बाकी सबको डिवाइड कर देगा, अगर मैंने कर दिया परसेंटेज ऑफ कॉलम। कॉलम अब इसमें रो भी ठीक है और है। बाकी भी है, तो ये क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें हमें कॉलम में भी कोई रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जोन को कॉलम में रख दिया यहाँ पे, और मैं एक बार करता हूँ सम को हटा देता हूँ और यहाँ डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो यह देखिए, ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है रो टोटल, और इसको जो कहा जाता है कॉलम टोटल, इसको कहा हाँ जाता ठीक है ग्रांड, ठीक है। तो अगर मैं डिफॉल्ट में अगर रो टोटल किया, तो जो इसके जो नंबर है 29 28 जो है, सबको इसके नंबर रो वाइज मल्टीप्लाई कर देगा, देखिए सॉरी डिवाइड कर देगा और परसेंटेज निकाल देगा, ठीक है सर। मतलब इसे समझ पा रहा है कि दिल्ली जो है ईस्ट में 39%, एनसीआर में 34% और 34% सेल किया है। तो मतलब इन तीनों सबको मिला के 100% दिल्ली का सेल आ गया। तो एक्चुअली दिल्ली की सेल की कंट्रीब्यूशन हो गई, किसकी कंट्रीब्यूशन हो गई? दिल्ली की सेल की इंडिया कंट्रीब्यूशन हो गई। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारा जो सेंट्रल है ये है क्या बोलते हैं, सेंट्रल है उसमें 16% कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 16% कंट्रीब्यूशन। अगर मैंने कर दिया परसेंटेज ऑफ कॉलन, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज कॉलम में पता चलेगा कि ये जो दिल्ली है सेंट्रल है, किस सिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, समझ गए? एक पर्टिकुलर सिटी का। अगर मैं इसी में ग्रांड टोटल कर दूं तो ओवरऑल ये ओवरऑल आ गया कि ओवरऑल सेल में दिल्ली के ईस्ट में 3.4% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक समझ गए सर। है। अब बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार ए ए हटा देता हूँ और मैं कॉलम से जोन को भी हटा देता हूँ, रो सिटी हटा देता हूँ, और सिटी के जगह पे हम यहाँ पे पे रखता हूँ। अब मुझे क्या है कि अपने सेंटर पे देखना है, मान लीजिए कैश की बात रही, तो मैं एक डिसीजन लेने वाला हूँ कि कैश इज नॉट अलाउड इन माय ऑफिस या क्रेडिट कार्ड नॉट अलाउड। तो इससे पहले तो चेक करना होगा ना कि आखिर कैश या क्रेडिट कार्ड कितने सेल आ रहे हैं। क्या सर पता हाँ चला सर कि कैश का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हैं ना सर। तो मैंने अमाउंट को रखा यहाँ पे, दिखा कि ये है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैंने इसको परसेंटेज और कॉलम रेट में कर दिया। तो पता चला कि कैश का 23% का कंट्रीब्यूशन है, क्रेडिट कार्ड का 26% का है, डेबिट कार्ड का 25% का, और इंटरनेट बैंकिंग का 23% का है। तो अगर इसके मैंने ऊपर रो यहाँ करिए तो सर, अगर जी रो करिए इसको प्रेजेंट परसेंट ऑफ रो करिए एक बार तो। नहीं, रो में तो नहीं ना होगा, अगर रो बाय डेटा थोड़ी है यहाँ पे, नहीं होगा। रो करते हैं तो कुछ नहीं आएगा, 100% दिखेगा सर, रो क्योंकि करने क्योंकि के लिए हमें हमें इसके क्या कहता हूँ कॉलम में कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए होगा कॉलम में। जैसे मान लीजिए मैंने अगर जून रख दिया तो यहाँ दिख रहा है ना सर, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो मैं कहने मतलब कि आप ये इस समझ पाए ना कि आखिर कंट्रीब्यूशन होता क्यों, मतलब कि हम कैलकुलेशन करते क्यों हैं, ये समझ में आया आपको? कि हाँ ठीक जब इसको हम करते हैं यहाँ पे, हम एक बार और सीट इसकी क्या बोलते हैं अमाउंट को मैं यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कॉल। तो ये पता चल रहा है कि 23% है। तो हम डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लेंगे कि 23% से हमारा सेल्स को हम कम कर रहे हैं, इफेक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि कैश में बंद कर दिए हैं तो 23% कैश में सेल होता है, तो ये इफेक्ट हो जाएगा।
अगर फिर कर भी देते हैं तो अगले साल हम कंपेयर करेंगे कि हमारा कैश का कितना परसेंट घटा है, तो बाकियों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ठीक है सर। नहीं बढ़ता इसका मतलब ये कैश वाले जितने भी कैश में हमारे परचेज करने वाले हैं उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने क्विट कर दिया, तो ये हमारी कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको सर? हाँ, दो तो समझ में आ गया। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं, रो कॉलम हो गया, और परसेंट ऑफ ग्रैंट का मतलब डिफॉल्ट मतलब एकदम सम लास्ट नंबर का सम दिखाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, रो रो बाई टोटल करेगा, कॉलम कॉलम बाई टोटल करेगा, ग्रांड टोटल ग्रांड टोटल करेगा। यहाँ पे बाकी ग्रैंड सेम वाला एक होगा, बार कैसे होगा। ये ग्रांड टोटल जो यहाँ पे आता है नीचे, तो आ ही रहा है, उसको रो वाइज करिए तो भी। तो अभी फिलहाल तो कॉलम टोटल और ग्रांड टोटल दोनों एक ही है ना सर, लेकिन जब इसको हाँ तो मैट्रिक्स, फिर जब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में डालेंगे तो चेंज होगा ना, समझे? देखिए कैसे इसको डालेंगे ना, जैसे यहाँ कॉलम में डालेंगे, दिखा? तो ये हुआ ग्रांड टोटल, तो। ओवरऑल टोटल, हाँ ये यहाँ पे दिखा कैश का टोटल, यहाँ पे देखा सीसी का टोटल, यहाँ पे दिखा इसी का पीसी का टोटल टोटल, यहाँ पे नेट का टोटल, यहाँ पे दिखा डायरेक्ट सेल का टोटल, यहाँ पे दिखा ऑनलाइन का टोटल, यहाँ पे दिखा ऑनलाइन रेफरेंस रेफरेंस का टोटल, का और यहाँ टोटल। ओवरऑल टोटल दिखा, इन सबों का सम दिखा। ठीक है तो वो तो पर परसेंट और ये टोटल ग्रैंड टोटल का क्या था हाँ, जब परसेंट। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात एक समझ लीजिए ना, कि ये परसेंटेज जब रो टोटल करते हैं तो रो का टोटल से बाकी सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है? ठीक है परसेंटेज कॉलम करेंगे तो कॉलम के टोटल से बाकी पूरे कॉलम को डिवाइड कर देगा, ठीक है? ठीक और है ग्रांड टोटल करते हैं तो यहाँ जो ओवरऑल टोटल आता है उससे बाकी सबको डिवाइड कर, समझ में। समझ गए? तो अगर मैं रो टोटल भी कर रहा हूं तो भी ये ग्रैंड टोटल से तो डिवाइड कर ही रहा है। तो नहीं, कहाँ कर रहा है, रो करते हो आप तो। यहाँ देखिए, अगर रो टोटल किया तो कहाँ ग्रांड टोटल से डिवाइड किया, 30% आ रहा है, देर मिला के 100% हुआ ना, हाँ ये तीनों मिलाते हैं। ठीक, एक बार ग्रैंड कॉलम टोटल टोटल करिए अगर कर दे, सर फिर ग्रांड टोटल करेंगे देखिए आ गया आपको, ये सबको मिला के 100% होगा, दिख रहा है सर? मेरे। अच्छा, अब समझे कि नहीं? मान लीजिए ना कि आपके 5 लोग हैं और 3 लोकेशन है, तो आपको 5 लोग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालना है, या 3 जगह के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालना ठीक है, है या फिर ये समझ सकते हैं कि टोटल मान लीजिए कि 5 लोगों ने 3 लोकेशन पे 100 का सेल किया, तो किस हाँ। लोग किस 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 लोग ने किस लोकेशन पे कितना परसेंट सेल किया, तो ग्रैंड टोटल तो ग्रांड टोटल, ठीक समझ गए? समझ गया ये परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल था, तो कैलकुलेशन समझ में आ गई। और दूसरी चीज है कि आप एक चीज और यहाँ पे सीखे कि किसी भी फील्ड को चाहे जितना बार आप रखना चाहे वैल्यू में रख सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे मुझे टोटल दिखाना है और परसेंटेज दिखाना है, अब प्रॉब्लम हुआ कि इसको स्वैप भी कर सकते हो आप, ऊपर मुझे चाहिए तो ये इतना सेल हुआ है लेकिन 7.6% का कंट्रीब्यूशन, और हेडिंग वगैरह तो चेंज कर ही सकते हैं हम, टोटल सेल्स यहाँ पे परसेंटेज शेयर, ठीक है? और यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा अच्छा से फॉर्मेट वगैरह करके आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें चार्ट्स वगैरह लगा के, अगर इसमें आप चार्ट्स भी लगाना चाहते हैं तो चार्ट्स भी इसके अंदर लग के आ जाए, ठीक है? और बाकी चार्ट्स की जो चीज़ आपने पढ़ी है वो यहाँ इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके सर? तो पिवट टेबल में ये जो आपने देखा यही चीज इस्तेमाल की जाती है, इसमें कोई खास, इसके अंदर आप कोई खास नहीं है, हाँ खास होता है जब अलग अलग तरीके से इसको हम बनाते हैं, इसे कोई सेटिंग वगैरह नहीं है, एक्सेल के अंदर तो बहुत सारे सेटिंग से बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें सिंपल है, इसमें कोई खास चेंजिंग कुछ खास चीजें नहीं है, हाँ सजेशन होती है, सजेशन में आप
अपने हिसाब से सजेस्ट करता है, उस हिसाब से बना सकते हो, डायरेक्ट लगा देता है। ये फील्ड को उठा के रो कॉलम टोटल एंड फिल्टर्स में आप आसानी से लगा सकते हो। फिल्टर्स में आप एडिटर के अंदर ही जाके फिल्टर लगा सकते हो, बाहर फिल्टर नहीं दिखेगा। राइट सर, ठीक इसमें एक ऐड स्लाइसर आता है। अब ऐड स्लाइसर में हमने यहां पे ले लिया और चूज द कॉलम, हमने यहां पे प्रोडक्ट दे दिया। तो स्लाइस जो पिवट का जो आप काम कर रहे थे वो आप स्लाइसर की मदद से कर सकते। ठीक है सर, क्लियर हाँ कीजिए। मुझे सिर्फ सीआरटी का रिपोर्ट देखना है, ओके। पूरा रिपोर्ट सिर्फ सीआरटी के लिए हो गया सर। ये कैसे लगाया आपने स्लाइसर को? ठीक हाँ, स्लाइसर कैसे लगाया? हम सबसे पहले पिवट लगा दें। पहले क्या करना है आपको, पिवट लगा देना। मैं इसको एक बार लगाया डिलीट स्लाइसर करता हूँ। पिवट लग गया। पिवट लगने के बाद आपको पिवट पे क्लिक करना है। क्या करना है? पिवट पे देख लिया। क्लिक करना है। के बाद डेटा के अंदर ऐड स्लाइसर दिखेगा। क्या से दिखेगा? ऐड एड स्लाइसेस स्लाइसर। स्लाइसेस और इस स्लाइसर्स के अंदर में आप अपना फील्ड को ऐड करें कि क्या फील्ड ऐड कर। तो मान लीजिए मैंने नेम को ऐड कर दिया, नेम आ गया। इसको ऑब्जेक्ट की तरह होता है, छोटा बड़ा कर सकते हो, आराम से रख सकते हो। उसके बाद फिर मैं वापस इस पे क्लिक किया, इंसर्ट में आया, इंसर्ट में सॉरी डेटा में, डेटा में, और यहां से हम स्लाइसर क्लिक किया। और इसमें इस बार मैं डाल देता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया। इसको भी यहां पे छोटा बड़ा कीजिए और ठीक है। राइट, यस इस तरह की चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे नेम में क्लियर कर दिया हमने, अमर का रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, और उसमें भी प्रोडक्ट जो है हमारा सीआरटी होना चाहिए। इस तरह की स्लाइसिंग लगा सकते फायदा हो। क्या है इसे? अगर तो भी फिल्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा पिवट टेबल एडिट्स, समझ गए? कहाँ जाना पड़ेगा? पिवट टेबल करता है एडिट्स, यहाँ भी इस तरह से लगा सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसका क्या रोल है? तो अभी हमने पिवट को किया है और चार्ट भी हमने किया है। अब हम आपके साथ रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। किस तरह की रिपोर्टिंग? तो देखिए, जो हम पिवट टेबल, स्लाइसर और चार्ट तीनों कंबाइन करके आप देखेंगे तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। ठीक है सर, अच्छा इस तरह का रिपोर्ट बनाते हैं। स्लाइसर काम करता स्लाइसर काम। अच्छा ऊपर है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज अपने और देखनी है कि क्या मल्टीपल पिवट पे स्लाइसर वर्क करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने लगा डेटा पे गया और इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट्स, और हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे हम इसको ओके कर देते हैं क्योंकि हमें नीचे चाहिए होगा। और यहाँ पे हम एक पिवट लगा लेते हैं। जैसे मुझे इसमें पे बाइज, पे को हमने रो में रख दिया। ये पे तो है ही, पे की जगह पे हमें रखना है ये मोड, मोड एंड प्रोडक्ट, और हमें अमाउंट चाहिए, इसे क्वांटिटी का टोटल चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि हम यहाँ जब क्लियर करते हैं, यहाँ पे अमर को क्लिक करके देख रहे हैं दोनों पिवट यहाँ पे चेंज हो रहा अच्छा है। तो इसका जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब कल हम इस रिपोर्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे पिवट टेबल हमारा होता है खत्म, लेकिन पिवट टेबल के यूज करके हम एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हो। सेम इसी तरह का एक रिपोर्ट हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं।